ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी, सेकंड वीडियो रहेगी, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल, सेलुलर रिप्रोडक्शन, माइटोसिस एंड मियोसिस पे। आगे हमने पढ़ा था इंटरफेज और माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ को हम एम फेज़ भी बोलते हैं। सेल की वहाँ पे डिवीज़न होगी, और इंटरफेज़ आई फेज़ जहाँ पे नॉन डिवाइडिंग पीरियड रहेगा। तो ये सेल साइकिल है जिसे इजीली हम याद कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया है एम फेज़। एम फेज़ को हम माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं। ये डिवाइडिंग पीरियड है एक सेल का। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया हमारे पास प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ एंड साइटोकाइनेसिस। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास Z1 फेज़। ये फर्स्ट ग्रोथ फेज़ है किसी सेल का। इसके लिए इसेंशियल कंडीशन क्या क्या है, और इस G1 फेज़ में क्या क्या हो सकता है? सिंथेसाइज ऑफ RNA, RNA की सिंथेसाइज होगी, प्रोटीन होगी, ATP भी होंगे इसमें, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड एंड सेल ग्रोथ होगी G1 फेज़ में। तो Z0 फेज़ क्या है? ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे नर्व सेल आ गए, न्यूरल सेल आ गए हमारे ह्यूमन बॉडी के, ब्रेन के, तो Z0 फेज़ है। ये डिवाइड नहीं करता, ओनली इंटर, ये इंटर करता है सिर्फ G1 फेज़ में। G0 के बाद G1 फेज़ में इंटर करेगा ये, और S और G2 फेज़ में ये इंटर नहीं करेगा। G0 फेज़ जो रहेगा, और ये परमानेंट फेज़, ये परमानेंट सेल भी बोलते हैं इनको, वैसे ही रहते हैं। और फिर हमारे पास आ गया एस फेज़। एस फेज़ में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फेज़, द रेप्लिकेशन ऑफ DNA एंड सिंथेसाइज ऑफ हिस्टोन एंड रेप्लिकेशन होगी क्रोमोसोम की, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस, ये सारा। फिर हमारे पास आ गया Z2, सिंथेसाइज होगी। अब आ गया सेकेंड फेज़ ऑफ ग्रोथ G2, सिंथेसिस होगी इसमें RNA की, प्रोटीन एंड अदर माइक्रो मोलिक्यूल्स फॉर स्पिंडल ऑर्गेनल्स फॉर्मेशन होगी, सेल ग्रोथ होगी G2 फेज़ में। सिर्फ जो कैरियोकाइनोसिस है उसमें सिर्फ 5 टाइप आएंगी इसकी, कैरियोकाइनोसिस एम फेज़ में इतना सा। और फिर उसके बाद जो आया हमारे पास G1 फेज़, GS फेज़, G2 फेज़ और G0 फेज़, ये सारा हमारा इंक्लूड हो गया आई फेज़ में। आई फेज़ में इंक्लूड हुआ, और जो पहला था वो हुआ एम फेज़ में। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोटिक, ये आ गया हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। टीलोफेज तो जो प्रोफेज़ है वो डिवाइड हुआ अर्ली, मिड और लेट प्रोफेज़ में। तो अर्ली जो